नमस्कार, मैं हूँ सौरभ श्रीवास्तव। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि किस राज्य में वो बड़े पार्टी के तौर पर बनकर उभरेंगे और वो सरकार बनाने का दावा करेंगे। ऐसे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी गोवा को लेकर के काफ़ी सतर्क है और क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने गोवा की जिम्मेदारी सौंपी है और उन पर विधायकों को टूटने से बचाने का जो है जिम्मेदारी दी गई है। और किसी भी स्थिति में गोवा में सरकार कांग्रेस की बनाने का एक जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिया गया। हम आपको बता दें 2017 की अगर बात करें तो 2017 में कांग्रेस के 17 विधायक जो है गोवा में जीते थे, लेकिन 15 विधायक टूटकर यानी कि कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में इस बार ये खबरें निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस ने पूरे तरीके से इस बार 27 कैंडिडेट को होटल में बंद करके रखा है ताकि वो टूटे न, यानी कि वो पिछली बार जो 2017 में जो चीज़ें निकल के सामने आई थी 15 विधायक जो है वो बीजेपी में चले गए थे, ऐसी स्थिति इस बार न हो इसके लिए कांग्रेस ने क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर जो नेता हैं डीके शिवकुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश ने एक चैनल से एक न्यूज़पेपर से खास बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि होटल में रुकने की पुष्टि तो की है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है किसी भी कैंडिडेट पर यहां रुकने का दबाव नहीं डाला गया है पार्टी के नेताओं की तरफ से या आलाकमान की तरफ से, अगर वो चाहें तो जा सकते हैं, हालांकि वो होटल में रुके हैं इनकी बात की उन्होंने पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे नेताओं पर मुझे पूरा भरोसा है, ये पुरानी नहीं बल्कि नई कांग्रेस है और इस बार कोई साथ छोड़ के जाने वाला नहीं है, सब अपनी मर्जी के मुताबिक हैं, अपनी मर्जी से हैं और सब होटल में है, अगर किसी को घर जाना हो तो वो जा सकता है। इस बार बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। हम आपको बता दें कि जो बीजेपी के खिलाफ है उससे गठबंधन करने का भी दावा किया है। अगर कांग्रेस नेता गिरीश की बात करें जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम बीजेपी अगर हम बहुमत से पीछे रह जाते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेंगे और गोवा में सरकार बनाएंगे। उन्होंने सिर्फ बोला कि सिर्फ केजरीवाल ममता ही नहीं बल्कि जो भी बीजेपी की जो भी दल या जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ हैं हम उनको अपने साथ लेंगे और सरकार बनाएंगे, गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, सभी आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। वहीं गोवा में पुरानी कांग्रेस अब नई बीजेपी बन चुकी है, सभी नेता पावर के लिए बीजेपी में शामिल हुए। ऐसे में बीजेपी को अपने विधायकों को संभालने के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि कई बार दूसरी विधायक पार्टियों में विधायक शामिल होने का उत्सुक होते हैं। तो एक बार कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से 2017 में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में लोग चले गए थे 15 विधायक, इस बार वो बीजेपी से वापस कांग्रेस में आ सकते हैं, ऐसा कहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमतांग पार्टी ने यानी MGP ने चुनाव तो ममता बनर्जी के TMC के साथ मिलकर गठबंधन में लड़ा है, लेकिन नतीजों के बाद वो कांग्रेस या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। यानी बीजेपी के जो नेता है वो MGP के संपर्क में है, यानी कि अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं गोवा में, लेकिन जो एक जोड़ तोड़ गठजोड़ की जो स्थिति है उस जो समीकरण है उस पर सभी राजनीतिक दल जो है पूरे तैयारी के साथ बैठक कर रहे हैं और पूरे कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाते हैं तो किस तरीके से अन्य पार्टी के लोगों को अपने संपर्क में लेंगे और चुनाव सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी के नेता निर्दलीय कैंडिडेट से भी संपर्क कर रहे हैं, 4 सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट जीत सकते हैं, ऐसी उम्मीद गोवा में जताई जा रही है। गोवा में हम आपको बता दें कुल 40 विधानसभा सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 21 सीटें होनी चाहिए। पिछले चुनाव में कांग्रेस 17 सीटें पाई थी जिस बीजेपी 13, और इसके बावजूद छोटे दलों ने से गठबंधन कर बीजेपी ने वहां पे सरकार बना ली, तो बाद में कांग्रेस के करीब 15 विधायक जो है वो बीजेपी इसमें शामिल हो चुके थे, इसलिए इस बार कांग्रेस ने सभी नए कैंडिडेट को टिकट दिया और इसका पार्टी को फायदा भी मिलता दिख रहा है। और अब कांग्रेस को डर है कि पिछले बार की स्थिति ना हो, इसलिए कांग्रेस ने अपने सभी कैंडिडेट को एक होटल में रखा है, होटल के कमरे में बंद करके रखा है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। लेकिन हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि सभी नेता अपनी मर्जी से यहाँ हैं, कोई अगर कहीं जाना आना चाहता है तो वो जा सकता है, किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अब नतीजा
कल यानी कि अब से 24 घंटे के अंदर सामने आ जाएगा, तब ये पता चल जाएगा कि गोवा में क्या स्थिति बनती है। कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है सरकार बनाने का और अपने प्रत्याशियों को होटल में रखा है, तो क्या कांग्रेस सरकार बना पाती है या बीजेपी के नेता निर्दलीय विधायकों निर्दलीय नेताओं या उम्मीदवारों समेत एमजीपी के संपर्क में है, क्या बीजेपी तैयारी कर रही है जिस तरीके से 2017 में छोटी पार्टी यानी कि 13 सीट पाई थी उसके बावजूद गठबंधन के साथ सरकार बना ली थी, क्या इस बार भी वैसा बीजेपी वहां पे करती हुई दिखाई देती है। जो भी स्थिति होगी वो 24 घंटे के अंदर सामने आ जाएगी। आपका गोवा की राजनीति को लेकर के, गोवा के में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।